आजमगढ़ जिले के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही है। महीनों पहले भी जमीन मोहम्मदपुर गांव में एक शिक्षिका के घर लाखों की चोरी हुई थी। इधर गुरुवार की शाम जियनपुर बाजार स्थित बेल बाजार के पास चोरों ने शिक्षक दंपति के घर पर धावा बोलकर 6 लाख से अधिक की सोने चांदी के जेवरात चुरा ले गए। मामले की जानकारी शिक्षक दंपति को उस समय हुई जब शाम को वह स्कूल से अपने घर पहुंचे, तब देखा कि अलमारी खुली हुई है। इसके बाद उन्हें अपने घर में हुई बड़ी चोरी के बारे में जानकारी हुई। घर में चोरी की सूचना मिलने के बाद पीड़ित ने इस मामले की शिकायत जियनपुर कोतवाली के पुलिसकर्मियों से की। मामले की सूचना मिलने के बाद कोतवाली की पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी जुटाने के प्रयास में लग गई। पुलिस का कहना है कि आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं, जिससे कि घटना में शामिल आरोपियों के बारे में पता लगाकर उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा सके। बता दें कि जियनपुर थाना क्षेत्र के बासुपार बनकट गांव निवासी लुकमान अहमद खान और उनकी पत्नी दोनों शिक्षक हैं। गुरुवार को दोनों पढ़ने गए थे। देर शाम जब घर वापस आए तो देखा कि घर में रखी अलमारी खुली है। इसके साथ ही घर के अंदर का सारा सामान बिखरा पड़ा था। अलमारी के अंदर रखा पत्नी के आभूषण का डिब्बा खाली बैग पर रखा गया था, जिसमें 6 लाख से अधिक के जेवरात थे। घर में चोरी की जानकारी मिलने के बाद लुकमान अहमद ने इस मामले की सूचना पुलिस को दे दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। वहीं पीड़ित ने इस मामले में जियनपुर में शिकायती पत्र देकर मामले में मुकदमा भी दर्ज करा दिया है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही घटना का खुलासा कर लिया जाएगा। कहाँ रहने वाले हैं? बासुपार बनकट। कल आपके घर कौन सी क्या घटना घटी? चोरी हुई बता रहे हैं, कैसे हुई बताएंगे उस बारे में? सुबह 9:30 बजे हम और हमारी पत्नी दोनों लोग अपने अपने विद्यालय चले गए ताला बंद करके। जी। शाम को पत्नी पहले आएंगे 4:45 बजे। जी। मेन गेट का ताला बंद था, खोलेंगे, खोल के अंदर आएंगे। जी। अंदर वाला ताला चाबी लगा रहे हैं तो नहीं जा रही है। जी। थोड़ा मोड़ा परेशान हुई, फिर उसके बाद सोची कि लग रहा कोई बदमाशी किया, इसमें लकड़ी वगैरह डाल दिया। जी। लेकिन फिर जब कोशिश की, ताला नहीं खुला, तो पीछे की तरफ गए। जी। तो जा रहे तो वहाँ देख रहे हैं कि एक डबल लॉक था, दोनों लॉक टूटा हुआ है, और अंदर देखने पे अलमारी पूरी खुली है, सारा सामान बाहर फेंका हुआ है, जेवर के डब्बे वगैरह सब बेड पे पड़े हैं। तो उसको कितना नुकसान हुआ लगभग आपका? लगभग हमारा 5 से 6 लाख रुपया के बीच में सब जेवर मिला के सब गया। थाने में इसके खिलाफ सूचना आपने दिया? थाने में हमने कल ही सूचना फौरन दे दी है, FIR भी हमारा दर्ज हो गया है, आज उसकी कॉपी भी मिल गई है। जी। तो कल सूचना दी, तो मौके पर कौन कौन लोग आए थे? मौके पर पहले तो 100 नंबर पुलिस आई। जी। उसके बाद से जो है ये फॉरेंसिक टीम भी आई, डॉग स्क्वाड वाले भी आए, कोतवाल साहब भी आए, सब लोग देखे, सारे उसका वीडियो बनाए। जी। फिर मीडिया वाले लोग भी आ गए, वो लोग भी अपना कवरेज किए। कितने बजे घटना है? आप चोरी कब हुई? घटना हमारे यहाँ 9:30 बजे से लेकर के 3:30 के पहले की है। अब कब हुई है, जब दरवाजा खुला तब हम लोग जान पाए। आप सुबह स्कूल 10 बजे चले गए थे? 9:30 बजे। कब लौटे हैं? लौटे हैं, हमारी पत्नी आई 4:45 बजे। तो क्या आश्वासन मिला थाने की तरफ से? प्रशासन ने कहा कि हम उसकी पूरी जांच करेंगे, और प्रशासन लगा हुआ है, जल्द से जल्द करें उसकी कार्रवाई करके सूचित करेंगे। कल दिनांक 14 नवंबर 2024 को समय लगभग शाम को 4 बजे थाना जियनपुर पर यह सूचना प्राप्त हुई कि थाना जियनपुर स्थित बेल बाजार के पास में एक शिक्षक दंपति के घर से कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा कुछ सामान चोरी कर लिया गया है। इस सूचना पर तत्काल थाना जियनपुर की पुलिस मौके पर पहुंची। मौके पर जानकारी की गई तो प्राप्त हुआ कि पीछे के गेट से कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा घर में घुसकर अलमारी तोड़कर कुछ आभूषणों की चोरी कर ली गई है। इसके साथ ही फॉरेंसिक टीम को, फिंगरप्रिंट ब्यूरो को, डॉग स्क्वाड को मौके पर बुलाया गया। मौके पर पूरी जांच पड़ताल की गई, जिसमें मुकदमा शिक्षक दंपति की तरफ से दर्ज कर लिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि वह सुबह 10 बजे अपने स्कूल गए थे, और जब वापस आए 4 बजे तो उनके घर में ताला टूटा हुआ था, कुछ सामान की चोरी हुई है। इस सूचना पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, सभी विधिक कार्रवाई की जा रही है, सीसीटीवी फुटेज का अवलोकन और सर्विलांस टीम की माध्यम से भी जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही इसमें बरामदगी सुनिश्चित की जाएगी, और जो भी इसके पीछे होंगे उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी।